हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है मल्टीपल इंटीग्रल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द इंटीग्रल 1/2 पाई इंटीग्रेशन साइन टी माइनस टाओ कॉस टाओ डी टाओ इक्वल, ठीक है, लिमिट है 0 से 2 पाई। बस में ये ध्यान रखना, जब हम टाओ के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो टाओ को ही वेरिएबल लेना है, टी तो कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, दो चीज कर सकते हैं कि इसको हम थोड़ा अलग अलग करें। इसके दो मेथड हैं, या तो मैं क्या करूं 1/2 पाई 0 से 2 पाई इसको मैं ओपन कर दूं साइन ए माइनस बी, क्या आएगा साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, है ना, जो कॉस ए साइन बी एक ही बात है, इंटू कॉस टाउ डी टाउ, ठीक है, 1/2 पाई। ये बन जाएगा बेसिकली साइन टी कॉस स्क्वायर टाउ माइनस साइन टाउ कॉस टाउ कॉस टी डी टाउ, ठीक है। अगर हम 1/2 पाई को मैं बाहर लिखूं, इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग करूं 0 से 2 पाई, देखो इंटीग्रेशन मुझे किसी करनी है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर टाउ की करनी है, यहाँ पे साइन टाउ कॉस टाउ करनी है, ठीक है, ये और ये तो कॉन्स्टेंट ही है। तो मैंने क्या कर रहा हूँ अभी, साइन टी को मैंने बाहर निकाल लिया, कॉस स्क्वायर टाउ को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2 टाउ बाय 2 माइनस, इधर मैं कॉस टी कॉमन निकाल लेता हूँ। अब साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा के, ठीक है, तो अगर मैं 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरा बन जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1/2 पाई तो बाहर आई, साइन t/2 चलो आ गया, यहाँ पे टाओ 1 का टाओ हो गया ना, 2 मैंने इसको बाहर ही रख लिया, और cos 2 टाओ का आ जाएगा प्लस साइन 2 टाओ डिवाइड बाय 2, लिमिट 0 से 2 पर, माइनस cos t/2 यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos 2 टाओ डिवाइड बाय 2 0 से 2 पर, 1/2 पाई, ये आ गया साइन t/2, अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई आएगा, प्लस साइन यहाँ टाउ की जगह 2 पाई पुट करूंगा साइन 4 पाई जो कि होता है 0, ठीक है, माइनस जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा टाउ तो 0 आ जाएगा, साइन 0 भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर देखा जाए 2 पाई ही बच गया, माइनस cos t/2, अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूँ यहाँ पे, या चलो ठीक है अंदर माइनस, चलो मैंने बाहर निकाल लिया इसको, अगर लिखना है इस तरीके से लिख लो, जो -1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या है cos 2 टाउ यानी कि cos 4 पाई जो कि आएगा 1 cos 0 1, ठीक है, तो ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, और ले दे के हमारे पास जो बचा है वो यही बचा है, ठीक है, तो 2 पाई 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, साइन t/t ही आ जाएगा, साइन t/2 ऑप्शन डी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लेंथी हो गया मेरे हिसाब से, इसको हम दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे क्या है साइन t-टाउ cos टाउ, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ 2 साइन a cos b का, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है साइन a+b प्लस साइन a-b, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, अगर मैं 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, बाहर 4 पाई आ गया, 0 से 2 पाई साइन a+b, साइन a+b क्या हो जाएगा साइन a+b यानी t-टाउ प्लस टाउ यानी कि साइन t बच गया सिर्फ, प्लस साइन a-b ना, ठीक है, a-b यानी t-टाउ माइनस टाउ यानी कि ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है, तो इसको आप खुद ट्राई कर सकते हो। बेसिकली जब साइन टी को इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट ही है तो बाहर ही आ जाएगा,
बेसिकली डी टाउ का इंटीग्रेशन होगा वो टाउ ही आ जाएगा। यहाँ पे हम कर सकते हैं साइन का, चलो कर ही लेते हैं इसको हम। वन बाय फोर पाई इंटीग्रेशन में करता हूँ कॉस साइन टी का तो टाउ ही आ जाएगा। बेसिकली इसको हम लिख देते हैं साइन टी डी टाउ, ठीक है, 0 से 2 पाई प्लस 0 से 2 पाई साइन टी माइनस 2 टाउ डी टाउ, ठीक है। तो 1/4 पाई, यहाँ पे तो साइन टी और यहाँ पे टाउ ही आने वाला है, 0 से 2 पाई प्लस साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस, ठीक है, तो माइनस में बाहर ही ले लेता हूँ कॉस, अच्छा नहीं माइनस लिख लेते अंदर, प्लस इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन का माइनस कॉस टी माइनस 2 टाउ, डिनोमिनेटर में क्या आएगा एंगल का डेरिवेटिव यानी कि -2, ठीक है। लिमिट पुट कर सकते हैं 0 से 2 पाई, 1/4 पाई, ये तो साइन टी इंटू 2 पाई बन गया। यहाँ पे 2 पाई पुट करोगे ये बन जाएगा माइनस माइनस कैंसिल कोस टी -4 पाई आ जाएगा यहाँ पे, टी -4 पाई, ठीक है। माइनस टाउ के लिए 0 पुट करोगे कॉस टी, अगर देखा जाए कॉस टी -4 पाई ये कॉस टी ही आ जाएगा, कॉस टी माइनस करके 0 आ जाएगा और फाइनल आंसर साइन टी बाय 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा समय लगता है, इसके कंपेरिजन में कम स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग प्लॉट शोज ए फंक्शन वाई विच वेरीज लीनियरली विद एक्स, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो बेसिकली लीनियर है तो इसकी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, ये लाइन की इक्वेशन क्या है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है, चेक कर लेना। देखो तो जब एक्स की वैल्यू 0 है वाई की वैल्यू 1 है, ठीक है, वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू -1 है, ठीक है, तो 2 पॉइंट में पता है तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है, इतना तो आना ही चाहिए। फिर बेसिकली वाई की इंटीग्रेशन 1 से 2 तक हमें क्या देगी एरिया अंडर द कर्व बेसिकली, ठीक है, तो ये एरिया निकालना मुझे, ठीक है, तो ये बिना इंटीग्रेशन के भी निकाल सकते हो ये वाला, ठीक है। तो ये एक तो रेक्टेंगल बन रही हो नीचे, ठीक है, इसका एरिया कितना है 2, हाइट कितनी है 2, विड्थ 1 है तो 2 आ गया। ये ट्रायंगल 1/2, हाइट कितनी है 1, बेस कितना 1, 1/2, तो 2 + 1/2 यानी कि 2.5, ठीक है। नहीं तो चुपचाप इंटीग्रेशन कर दो 1 से लेकर 2 तक, वाई की वैल्यू क्या है x+1 dx, ठीक है, x+1 का इंटीग्रेशन x+1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और नीचे x+1 का डिफरेंशिएशन जो कि 1 ही आ जाएगा। लिमिट मुझे पुट करनी है 1 से लेकर 2 तक, और चलो ठीक है 2 पुट करूंगा, 2+1 t का स्क्वायर 9 माइनस 1+1 2 का स्क्वायर यानी कि 4 डिवाइड बाय 2, तो 5/2 जो कि हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो इस तरीके से जहां कहीं भी लाइन होती है उसके अंडर एरिया अंडर कर्व फाइंड करना है, एरिया अंडर लाइन फाइंड करना है, तो उसको तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है। बेसिकली हमें सबसे पहले देखना है कि जो इंटीग्रेशन हो रही है फंक्शन की तो एरिया कौन सा है, ठीक है। लिमिट देखो, अगर देखा जाए एक्स की लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, वाई की भी 0 से इन्फिनिटी है ना, तो बस बेसिकली ये वाला एरिया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा हो गया, ठीक है, एक्स जा रहा पूरा 0 से इन्फिनिटी, वाई भी 0 से इन्फिनिटी ये वाला, ठीक है। इसको हम पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेसिकली अगर मैं बोलूं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है, इसमें आर जो वेरी कर रहा होगा वो 0 से 2 थीटा कर रहा होगा, ठीक है। अब ये इस इनफाइनाइट तक जा रहा है, अब हमें नहीं पता इनफाइनाइट पे क्या है, चाहे मैं उसको रेक्टेंगल ले लूं इस तरीके से कि हाँ ये भी इनफाइनाइट है बाउंड्री है, जिस तो हमें पता नहीं है, ठीक है, या मैं सोच लूं एक इनफाइनाइट रेडियस का, सॉरी इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल है, अगर ये पूरा देखा जाए
इनफाइनाइट हमें पता नहीं है, या तो हम ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस का एक सर्कल भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इस तरीके से कुछ है इनफाइनाइट, ये बहुत दूर है, बहुत बड़ी वैल्यू, ठीक है, आर मेरा वेरी कर रहा है इस रीजन में, जीरो से इनफाइनाइट तक, पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा, ठीक है। और थीटा जो मेरा वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है जीरो से पाई बाय टू, है ना, ये तो मेरा फिक्स है कि यहाँ पे एंगल जीरो है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बस जीरो से पाई बाय टू तक है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं पोलर में, तो एक्स किसके इक्वल होना, इक्वल होता है आर कॉस थीटा के, ठीक है, वाई किसके इक्वल होता है आर साइन थीटा के, ठीक है। और वैल्यूज पुट कर देते हैं फिर, अगर मान लो ई की पावर, अगर ये टोटल क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई है, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। जब मैं करूंगा पुट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर ही होता है, ठीक है, और डी एक्स डी वाई की जगह क्या आता है, आर डी आर डी थीटा, आर वेरी कर रहा है जीरो से इन्फिनिटी, थीटा वेरी कर रहा है जीरो से पाई बाय टू। ठीक है, अब देखो आर की लिमिट अलग है, इंडिपेंडेंट है, थीटा की अलग है, तो हम थीटा को अलग ही कर सकते हैं इंटीग्रेट, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आर को अलग, जैसे थीटा को डायरेक्टली अब जब पता चली गया तो पाई बाय टू बाहर ही लिख लो अलग से, ठीक है, तो इतना डिटेल में पेपर में तो करने की जरूरत नहीं है, दिया, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे हम, आर को मैं पुट कर सकता हूँ आर स्क्वायर को टी, तो टू आर डी आर इज इक्वल टू डी टी, है ना, लिमिट तो जीरो से इन्फिनिटी ही जाएगी, तो ये इंटीग्रेशन जो आ जाएगी पाई बाय टू तो बाहर ही अब आ ही गया, जीरो से इन्फिनिटी आर डी आर को मैं डी टी बाय टू लिख दूंगा, ई की पावर माइनस टी आ जाएगा और डी टी बाय टू, ठीक है, तो पाई बाय फोर आ गया, बाहर ही आ गया, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाय माइनस वन जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस को ही बाहर लिख लेता हूँ, और चलो माइनस को अंदर लिख लेते हैं, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो माइनस ई की पावर जीरो वन, ठीक है, तो ये माइनस वन बाय वन वन ही आ गया, तो पाई बाय फोर आंसर आ गया, ठीक है, ऑप्शन डी। अब इसको हम दूसरे गोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर गोजियन डिस्ट्रीब्यूशन तरीके से भी कर सकते हैं, ये हमने आई थिंक दो या तीन वीडियो पहले ऐसा क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो जो मेरा क्वेश्चन है मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, अलग अलग करके लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है आपस में एक्स वाई की, आपस में डिपेंड नहीं कर रहे ना, इंडिपेंडेंट है, जीरो से इन्फिनिटी जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, अलग अलग करके लिख सकता हूँ, तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन निकाल दूँ, इसका निकाल दूँ, दोनों का सेम ही आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो इसके इक्वल आता है, ठीक है, जिसमें म्यू मीन होता है, सिग्मा क्या होता है वेरियंस, ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी वन होता है, या फिर मीन से लेके इन्फिनिटी तक हाफ होता है, या फिर माइनस इन्फिनिटी से लेके मीन तक। तो अगर मुझे इसको कंपेयर करना हो तो यहाँ से मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि मीन जो है वो तो जीरो है, ठीक है, कि एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, और एक्स के नीचे क्या है वन, यहाँ पे एक डिनोमिनेटर में क्या है टू सिग्मा स्क्वायर, और टू सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल है वन के, तो बेसिकली सिग्मा जो आ गया वन बाय रूट टू, ठीक है। तो मुझे ये स्टैंडर्ड बनाना है इसको, और उसका जो एरिया आएगा जीरो से ले मतलब मीन से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी जीरो से इनफाइनाइट तक, वो वन वन बाय टू आएगा, ठीक है। तो जो मेरा एफ एक्स बनना चाहिए वो सिग्मा की वैल्यू है वन बाय रूट टू, तो यानी कि रूट टू, नहीं इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, सिग्मा रूट टू की वैल्यू वन है, ठीक है ना, ठीक है, तो इसकी वैल्यू वन है, ये आ जाएगा वन बाय रूट पाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन बन गया, जहाँ पे म्यू जीरो है, सिग्मा की वैल्यू वन बाय रूट टू है, ठीक है, बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको जीरो पुट किया है, इसको वैल्यू वन बाय रूट टू पुट किया, तो ये बनेगा। अब इसका जो इंटीग्रेशन है जीरो से इन्फिनिटी इस फंक्शन का, ये वन हाफ आना चाहिए ना, बेसिकली वन बाय इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय रूट पाई को मैं बाहर ही लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से इन्फिनिटी डी एक्स, ये किसके को आना चाहिए हाफ के, ठीक है, बेसिकली जीरो से लेके इन्फिनिटी
इन्फिनिटी तक ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आना चाहिए रूट पाई बाय टू। ठीक है, तो अगर ये रूट पाई बाय टू आ गया, ये भी रूट पाई बाय टू आ गया, तो दोनों इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा अगर, और सिमिलरली तो पाई बाय फोर ही आ जाएगा ना। सिमिलरली जीरो से लेके इन्फिनिटी एक्स ई की पावर वाई स्क्वायर डी वाई भी आना चाहिए रूट पाई बाय टू। ठीक है, तो टोटल जो हमारा रिक्वायर इंटीग्रेशन है वो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पाई बाय टू इंटू रूट पाई बाय टू, पाई बाय। ठीक है, तो इस तरीके से अब धीरे धीरे अगर इस तरीके ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो ये ऐसे बनाना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज तो डायरेक्टली धीरे धीरे याद हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इज अनबाउंडेड। ठीक है, जिसकी लिमिट जिसकी वैल्यू फाइनाइट ना है बेसिकली। ठीक है, अब सबसे पहले देखो टैन एक्स इसका डेरिवेटिव, अगर बेसिकली देखा जाए टैन की वैल्यू 0 पे 0 होती है और पाई बाय 4 पे कितनी होती है 1, तो बेसिकली इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा और एरिया अंडर द कर्व तो फाइनाइट ही आएगा बेसिकली। ठीक है, और सिमिलरली 1 बाय x² + 1 ये कुछ इस तरीके से डिक्रीज कर रहा होगा ना, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा। अब इसका निकाल निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका कुछ कह नहीं सकते। और एक्स ई की पावर माइनस, ये भी मुझे लगता है ऐसा कुछ बनता होगा। ठीक है, चलो इसका तो फिक्स है ए का डायग्राम से, बाकी हम चलो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। टैन एक्स का इंटीग्रेशन जो आता है, टैन एक्स का होता है माइनस एलन कॉस एक्स। ठीक है, तो 0 से पाई बाय 4, तो माइनस तुम बाहर ही लिख लेता हूँ, चलो माइनस एलन कॉस पाई बाय फोर, कॉस पाई बाय फोर होता है 1/√2, माइनस कॉस 0 होता है 1 एलन 1। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन जो आ जाएगा माइनस एलन 1/√2, माइनस अंदर चला गया तो LN√2। ठीक है, तो यह आ जाएगा फाइनाइट है, ठीक है अनबाउंडेड नहीं है। बी चेक करेंगे 1 बाय x² जो है, 1 बाय x² + 1 इसका इंटीग्रेशन आता है टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, टैन इनवर्स एक्स 0 से इन्फिनिटी, टैन इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाय टू माइनस टैन इनवर्स 0 होता है 0। ठीक है, तो ये भी बाउंडेड ही है, अनबाउंडेड नहीं है। सी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो ये इंटीग्रेशन में पार्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स को बाहर रखा, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन किया तो नीचे -1 आ गया, माइनस करेंगे एक्स का डेरिवेटिव फिर ई की पावर एक्स का 2 बार, तो बेसिकली ई की पावर ये ई की पावर माइनस एक्स ही आ जाएगा यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और इस माइनस को चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये भी 0 बन गया यहाँ पे, और माइनस ये भी 0 बन गया, माइनस 0 पुट करूंगा ये भी 0, 0 पुट करूंगा ये 1 बनेगा, तो बेसिकली ये घूम फिर के 1 आ जाएगा, तो ये भी फाइनाइट आ गया, तो ऑप्शन डी ही बचा। डी का भी हम देख लेते हैं, इसका आएगा ln 1 - x / 1 - x का डेरिवेटिव -1, लिमिट पुट करनी है 0 से 1। ठीक है, तो ln 0 आ जाएगा माइनस ln 1 आ जाएगा। ठीक है, ln 0 अनबाउंडेड होता है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी को जब 0 को अप्रोच कर रही होगी वैल्यू, ठीक है ln के अंदर, ठीक है तो ln 0 माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, गिवन द शेडेड ट्रेंगुलर रीजन पी शोन इन द फिगर, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ xy dx dy। ठीक है, तो इस एरिया में इंटीग्रेशन कितनी होगी, तो सबसे पहले हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो ये y को 1 पे काट रहा है, x को 2 पे, तो x/2 + y/1 = 1। ठीक है, एक्स वाई इंटरसेप्ट होगा, चेक कर लेना इसको, तो x/2 y। ठीक है, तो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे होंगे, अगर 2,0 पुट करूंगा तो भी 1 आ रहा है, 0,1 पुट करूंगा इसको 0 तब भी आ रहा है। ठीक है, और जब मुझे x dy dx dy, ठीक है इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 2 - 2y। ठीक है, तो बेसिकली इस रीजन में अगर मैं ऐसे एंटर करूं x की डायरेक्शन में, तो मेरी एंट्री हो रही है इस लाइन से, यानी कि
एक्स इज इक्वल टू जीरो से एग्जिट हमेशा मेरा हो रहा है इस लाइन पे, ठीक है। तो ये लाइन है वाई एक्स इज इक्वल टू टू माइनस टू वाई, और वाई की एक्सट्रीम लिमिट है 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, और 0 से 1 एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, लिमिट पुट करनी है मुझे 0 से 2 माइनस 2 वाई, इंटू वाई है डी वाई है 0 से 1, और ये आ जाएगा 2 माइनस 2 वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू। 2 को बाहर निकाल कर स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, और नीचे भी 2 है वो कट जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से 1, 2 बाहर निकाला स्क्वायर आ गया, नीचे से 2 से कट गया, तो 1 माइनस वाई का स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है। इसको यहीं से लिखना स्टार्ट करता हूँ, इज इक्वल टू 0 से 1, तो 2 बाहर है, 1 माइनस वाई का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई, और वाई डी वाई, ठीक है। 2 0 से 1 वाई प्लस वाई क्यूब माइनस 2 वाई स्क्वायर डी वाई, और फिर आ जाएगा 2 बाहर है, वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई की पावर 4 बाय 4 माइनस 2 वाई क्यूब बाय क्यूब 3, 0 से 1, ठीक है। अपर लिमिट पुट करेंगे लोअर लिमिट की तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 माइनस 2 बाय 3, ठीक है। 2 12 आ जाएगा एलसीएम, 6 प्लस 3 माइनस 8, तो 6 प्लस 3 9 माइनस 8 1, और 2 कट गया 12 6, 1/6 ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो एप्टीट्यूड पे पूछ सकते हो, और वीडियो सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।